गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे और आज हम आपको दिखाएंगे ये कैलिबर 115। ये बाइक चला रहे हैं हमारे दोस्त निखिल काले। हाँ भाई, आप भी आगे जाओ राजस्थान भाई। सो ही जस्ट रिस्टोर्ड हिज बाइक, पूरा रिस्टोर किया है, डेढ़ दो महीने लग गए उसको रिस्टोर करने में एंड क्वालिटी इज रियली 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 वेरी वेरी गुड। सो आई थॉट के मेरे चैनल पे ये वीडियो आना ही चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मेरे घर जा रहे हैं हम, वहाँ थोड़ी शांति रहेगी, आवाज़ कम रहेगा एंड आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या रिस्टोर किया है, कैसे किया है एंड गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आती थी पहले, अभी क्या है क्या नहीं है एंड कैसी दिखती है। सो मिलते हैं घर पे चल के। सो गाइज, वो आपने देखा रनिंग शॉर्ट्स एंड अभी हम मेरे बिल्डिंग के पार्किंग में आ गए हैं। मेरे पार्किंग में बहुत साउंड चल रहा है इसलिए मेरे बिल्डिंग के फ्रंट पे आए हैं, तो आपको थोड़ा सा रोड नॉइज आएगा, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट आई रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस बाइक, मेरे दोस्त ने बहुत दिल से बहुत प्यार से रिस्टोर किया है। इट लुक्स ब्रांड न्यू, जिधर भी खड़ा होता है लोग पूछते हैं बजाज ने फिर से लॉन्च किया क्या बाइक। आपको मैं थोड़े से क्लोजअप शॉट्स भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, वेर यू विल सी हाउ वेल दी वर्क हैज बीन डन। ऐसा लगता ही नहीं है कि गाड़ी रिस्टोर की है, ऐसा लगता है कि नए पार्ट्स लगा के फिर से गाड़ी सेटअप की है। इनफैक्ट असेंबल्ड भी नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि शोरूम से अभी निकली है गाड़ी, इतना क्लीन वर्क है, इतना नीट एंड टाइडी वर्क है, इतना फिनिशिंग अच्छा है इसका। सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, चैसी। ये इसके चैसी का फिनिश देखो कितना क्लीन है। अभी ब्राइट सनलाइट नहीं है, वहां पे हम हाईवे पे थे तब सनलाइट बहुत ब्राइट था एंड मतलब डे लाइट काफी अच्छा था एंड सभी कुछ एकदम बहुत अच्छा दिख रहा था। इट लुक लाइक ब्रांड न्यू राइट फ्रॉम शोरूम। तो इतना अच्छा काम किया हुआ है, हो सके तो मैं मेरे दोस्त से नंबर ले लूँगा, रिस्टोरेशन वर्क कहाँ से सब किया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। सो इफ़ यू वांट टू रिस्टोर सच बाइक, इतनी पुरानी बाइक्स, तो आप भी करा सकते हैं। लुक एट द पेंट ड्रॉप टू, एकदम क्लीन है, वेरी 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 क्लीन वर्क एवरीवेयर। साइलेंसर ऑल क्रोम, ऑल पार्ट्स हैव बीन नो रीक्रोम्ड एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये ओरिजिनल जो बाइक के साथ आया था वो है, बिकॉज दे डिडंट वांट, नो मेरे दोस्त नहीं चाहता था कि ये जो नाम लिखा हुआ है, ये जो एम्बॉसिंग है वो चले जाए, बिकॉज एक बार क्रोम करते थे तो ये निकल जाता था। ही डिडंट वांट दैट, ही वांटेड दिस टू बी रिमेन ओरिजिनल। तो थोड़े से इसको स्क्रैचेस वगैरह हैं बट ही वांटेड टू कीप दिस एज इट इज। आपको थ्रॉटल साउंड, आपको एग्जॉस्ट साउंड बता देता हूँ, इट स्टिल साउंड्स वेरी ओरिजिनल। आपको इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, फ्लाइंग साउंड अगर हो सके तो मैं लूँगा फ्लाइंग शॉट, बट वेरी ओरिजिनल। ये सब भी एकदम ओरिजिनल है। एग्जॉस्ट हैड सम रस्टिंग ओवर हियर विच यू नो क्लीन कर दिया एकदम, काम जो भी किया है रीवेल्डिंग करके एकदम क्लीन काम किया है। दिस इज माई फ्रेंड निखिल काले जिसने रिस्टोर की है एंड ही विल टेल अस इसने क्या क्या काम करा है, कहाँ कहाँ से कराया है। सो निखिल एक्सप्लेन करो। हाँ, बेसिकली ये बाइक मेरे डैड का था, वी परचेस्ड इन 2003 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप व्हेन देयर वाज ऑल द फ्रेंजी व्हिच बजाज हैड स्टार्टेड विद द टैग लाइन ऑफ हुडी बाबा एंड दैट टाइम दे डिडंट यू नो डिडंट टेल, दे केप्ट इट अ मिस्ट्री कि व्हाट बाइक इट वाज। सो इट वाज वेरी यू नो क्रिएटिव वे मार्केटिंग बाय बजाज दोस डेज एंड दैट टाइम माय डैड हैड परचेस्ड इट and this has done around 40,000 kilometers because my dad used to use it only for office purposes and that time the vehicle used to cost around 41,000 rupees. So that's there. So the motive behind restoration is that there are emotions attached to this bike. I learned how to ride on this bike when I was 19 year old and that time I had my first driving license on this bike as well. There are a lot of emotions attached. So if you may ask me that why I restored the bike, so it was more of a you know a emotional connect that I wanted to you know restore it and keep it as a memory and can use it as well. So that's there. So basically I have what I have done over here. So he'll show us what all has been done, kya kya kiya unhone. So basically what I have done over here is that I have repainted the bike. It was in original blue color and it had a metallic shade to it, okay, shiny gloss to it. So I asked the painter to match it, okay. So what he did was he had already the same paint. He made a texture, he showed me a sample on one of a part, on the tank part, and I was okay with it.
सो ही पेंटेड द बाइक एंड देन वी ऑर्डर द स्टिकर्स का थोड़ा इश्यू था, स्टिकर्स नहीं मिल रहे थे, सो वी ऑर्डर देम स्पेसिफिकली फ्रॉम दिल्ली. सो दीज आर द स्टिकर, दीज aren't ओरिजिनल बट दे आर सेम एज ओरिजिनल, इज नथिंग यू कैन यू नो मेक इट आउट दैट इट इज आफ्टर मार्केट स्टिकर्स, बट द स्टिकर्स आर क्वाइट गुड. So what I did was the painter put on the stickers first with the heat gun and the lacquer job. Okay, the final finishing is done on top of the stickers. That's why you can see it's almost seamless. Yeah, it's almost seamless. It looks good, and that's why it looks very nice and neat. Finishing looks very nice and neat. Apart from it, I have overall the engine compartment totally. Okay. So engine compartment में पूरा head piston निकाला, because there was some engine work as well which I had done. तो उसके लिए मैंने निकाला ही था. सो व्हाट आई डिड वाज आई ओवरऑल द कंप्लीट इंजन, ओके, एंड देन इट इज एक्चुअली प्रॉपरली पेंटेड, इट्स नॉट जस्ट ऊपर का, ये पूरा निकाल के इवन दिस नट्स यू कैन सी आई हैव, इट्स क्रोम प्लेटेड, एवरीथिंग इज क्रोम प्लेटेड एक्सेप्ट दिस वन. सो इंजन, व्हीकल फाइबर एंड टैंक, दीज आर ऑल रीपेंटेड, वेर एज ऑल द स्टील पार्ट्स यू कैन सी these are all chrome plated. I got it done at a guy who is in Kataraj, who is specialized in Royal Enfield restoration and RX 100, RD 350 as well. So that's why you can see the work is very neat and tidy. It looks like almost like new, but this part specifically you can see it, it's a 18 year old bike itself is 18 year old. Nothing is changed, so you can see how the quality of work is, it's very nice and tidy. Apart from it, I changed the tires. These are normal Seat Mileage tires. I changed the spokes as well, because old were rusted, and I broke it out, and because ये निकाल नहीं सकते पुराने spokes, so I broke it out. पुराने spokes कट करके नए डाल के डाला है. Rim chrome किया हुआ है. Rim is again chrome. Yes, rim is chrome. Suspension is chrome. You can see even the sari guard I kept, because it gels nicely with the bike, that's why I kept it. Pura original lag raha hai. Lately they don't make sari guards which gels with the design, they make it very awkward. Except some brands. Yeah, ye sab match jo hai na abhi ke designs mein aisa match nahi hota hai, jo flow aata hai bahut alag rehta hai. The parts are original, suspension comes used to endurance ka hai, front rear, okay, sab original hai. It used to have a carburetor of Keihin, which Kawasaki still uses in its sports bike. You can see the branding over here. So ये अभी भी Keihin का. It's a very good carburetor. The bike is based on KTEC technology, which was a patent that time. So इधर एक sticker आता था KTEC का. So अभी वो नहीं है. Maybe I will aftermarket करूँगा. ठीक है. Oil capacity 1 liter है normal. It's an 111cc 9 bhp engine, single cylinder, air cooled. एवरेज मुझे अभी डैड यूज टू गेट अराउंड 75, सिंस इट्स अ न्यू इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रन इन पीरियड, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ माइलेज ऑफ अराउंड 70 to 75. सो एज आई टोल्ड यू इंजन का तो एवरेज तो मिलेगा मुझे अराउंड लाइक 70 एंड अराउंड. सो दिस इज अगेन द लेग गार्ड विच इज अगेन क्रोम प्लेटेड, दिस इज अगेन द स्टॉक पार्ट. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें थोड़ा यू कैन सी इतना फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है स्टेनलेस स्टील का, इस पे ये नहीं कर सकते, बिकॉज रीजन बींग इट्स अ मूवेबल पार्ट, तो क्रोम नहीं कर सकते, यू कांट प्लेट इट, बिकॉज ये अंदर जाता है और अंदर के ऑयल सील्स खराब करेगा. यस, इट कैन डैमेज द ऑयल सील्स बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पेंट. आपका इनर ट्यूब जो रहता है, कभी यू शुड नॉट कभी इसको क्रोम नहीं करना चाहिए, अंदर के ऑयल सील्स खराब हो जाएंगे. ऑयल सील एक बार खराब हो गए तो ऑयल आना शुरू हो जाएगा. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, फ्रंट पे म्यूजिक चल रहा है, बैक साइड पे रोड साइड है, इसलिए थोड़ा आवाज आपको ज्यादा आएगा रोड साइड का. सो व्हाट आई हैव डन इज देयर इज अ स्प्रे कॉल्ड एज रस्टोलियम व्हिच यू कैन गेट ऑनलाइन ऑन Amazon एज वेल. सो आई हैव स्प्रेड इट द रस्टोलियम, और थोड़ा कपड़ा थोड़ा रख के उस पर कपड़ा मारा है ताकि द रस्ट निकल जाए, अच्छे से निकल गया है. यू कैन सी इफ यू जूम इट, देन ओनली द स्पॉट्स आर विजिबल, एल्स द एंटायर टेलीस्कोपिक suspension is seamless, you can see it properly. These are the stock, this nothing has been done to it, bahut hi seamless hai. So apart from it, indicator uno minda ke hai, which are original, which used to come with Bajaj. I tried to source as much as original part which were on the bike. The entire bike except the tires, the headlight assembly, reason being it was cracked and yellowish ho gaya tha because of aging. सो रेंडर का मैंने ओरिजिनल सोर्स किया है,
ओके दी यूजली यू डोंट गेट इट इजीली यू कैन गेट लुमैक्स और लोकल कंपनीज लाइक साई और समथिंग बट आई सोर्स्ड इट ऑनलाइन रिंडर का कावासाकी के सुपर बाइक्स पे ही आता है सो इट्स अ गुड कंपनी ओनली दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज द विंडशील्ड और व्हाट यू कैन से वाइजर ये सिर्फ साई का मंगाया है बिकॉज वी कांट गेट इट आई कुडंट सोर्स इट सैडली ओरिजिनल मिला नहीं है दिस इज ओनली यू नो आफ्टर मार्केट पार्ट इतना क्वालिटी खास नहीं है बट इट डज इट वर्क्स दूर से पता नहीं चलेगा कि डुप्लीकेट है या दैट्स इट टायर सीएट के माइलेज डाला है आगे रिप वाला डाला है नॉर्मल वाला 90 सीएट है एंड नाम है टू साइज इज 2.75 18 यस 18 बोथ आर 18 इंच रियर इज 3.18 सेक्यूरा F85 पीछे का माइलेज है तो रेयर टायर इज सीएट माइलेज ट्यूब टायर ब्रांड ये पंक्चर रेजिस्टेंट नहीं होते इसमें ट्यूब रहता है तो नॉर्मल यूज के लिए जो पहले मिलते थे वही है वो सो सीट पूरा रिस्टोर किया हुआ है सो नॉर्मल सीट हाइट कुछ इतना आता रहेगा तो हमारे दोस्त ने नीचे का फोम खराब हो गया था तो उस पर थोड़ा भर के नो एक इंच जितना भर के और ये पचारने सीट कवर है एचए पेट्रोल पंप पिंपरी में ये इनका नंबर है सो इफ यू आर फ्रॉम पुणे यू कैन यूज दिस नंबर उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9049300663 सो आपको अगर सीट करवाना है सो दिस इज क्वाइट सॉफ्ट इट इज मतलब एकदम सॉफ्ट भी नहीं है एकदम हार्ड भी नहीं है परफेक्ट फॉर्म मिला है इनको तो थोड़ा अभी फ्रंट के बारे में बताते हैं निखिल भाई सो राइट का जो पैनल है इसमें आता है सिर्फ अभी इसमें स्टार्टर नहीं है ऑब्वियसली इट्स अ किक स्टार्ट बाइक सो इट विल ओनली गेट अ हेडलैम्प का स्विच सो ये थोड़ा एजिंग हुआ था ये थोड़ा मैंने पॉलिश किया रीजन बिंग मुझे ये भी चेंज करना था बट ये मुझे पार्ट मिला ही नहीं ई कुडंट गेट दिस पार्ट एंड टॉप ऑफ दिस इट वॉज इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन इसमें थोड़ा डब्ल्यू डी मार के मैंने स्विच थोड़ा यू कैन हियर द क्लिक प्रॉपरली सी एल्स इट वॉज वेरी सॉफ्ट ये तो चल नहीं रहा था अच्छे से बट आई रिस्टोर्ड इट दिस वन इज न्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच हैज द हाई लो स्विच इंडिकेटर हॉर्न ओके एंड द पास स्विच एज वेल एंड द चोक यहाँ आता है ये बाइक का फॉर अ कोल्ड स्टार्ट यू नीड टू पुल दिस and then kick mark yeah me. then you fire up the engine and then you leave it goes back to your position that time it was the only very very less bikes had the rpm meter, RPM okay? meter. so this bike used to come with an rpm meter with a economy needle so economy needle matlab ye jo hai you have to shift within this you know the green limit mark yes green mark and for better fuel efficiency so what they had done is that this needle changes color on red it is like normal it's not red lining but normal but as the soon the needle turns green so ye jo dikh raha hai green mark that is the optimal shift point reason being in this area in this rpm range if you shift you will get an optimal efficiency fuel efficiency from the engine so basically bajaj ne kya kiya hai they have made this needle which usually changes color ये रेड रहता है यूजली इफ यू कम इन दिस जोन इट टर्न्स इनटू ग्रीन सो दैट इज एक्चुअली द ऑप्टिमल शिफ्ट पॉइंट विच वाज अ वेरी गुड फीचर एट दैट टाइम रीजन बिंग 2004 में ये तो सब नहीं था इट एज अ नॉर्मल इंडिकेटर विच अपना विच गिव्स द टर्न स्विच हाई बीम न्यूट्रल इट हैड अ नॉर्मल अपना ट्रिप मीटर विच कैन बी रीसेटेड द मेन रनिंग ये जो है बाइक का मीटर बंद भी था बीच बीच में तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस बाइक इज 9 लीटर्स सो दैट वाज आल्सो गुड सो कंसीडरिंग द फैक्ट इट कैन ऑन अ टॉप टैंक इट कुड गिव अप टू अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स एज वेल एंड दैट्स देयर सो ये था इन्फॉर्मेशन थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में आई नो बहुत भाइयों को पसंद नहीं आता इंग्लिश में बोला जाता है तब लेकिन कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में अच्छी तरह से बता सकते हैं कुछ चीज़ें हम हिंदी में अच्छी तरह बता सकते हैं मेरा भी हाथ बैठा है इंग्लिश पे थोड़ा हिंदी पे थोड़ा थोड़ा आगे के वीडियोस में ट्राई करूँगा कि फुल हिंदी में बने अब इसके बाद आई विल शो यू किक भी बता देते हैं किक चल रही है अभी वन किक स्टार्ट होती है गाड़ी इतने अच्छे से इंजन रिस्टोर किया है अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ थोड़े से लाइट में लेके आपको थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ इसके बाद फोटोज दिखाता हूँ ताकि जो इधर कुछ मेरे हाथ से मिस हो गया होगा आपको उधर दिखेगा एंड अच्छे ब्राइट लाइट में मिलेगा ये जो हम मीटर का बता रहे थे देखो बाय डिफॉल्ट रेड आता है
एंड आप उस रेंज में जाएंगे तो वो ग्रीन हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा फीचर है ये बजाज के टाइम से, ये मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे फीचर आते हैं वो टाइम पे। सो कुडोस टू बजाज फॉर दिस कैलिबर 115 हुडी बाबा। ये एक उस जमाने में बहुत हिट थी, बहुत हिट थी। आई हर्ड दैट इट हैज ब्रोकन दी सेल्स ऑफ स्प्लेंडर ऑल्सो दैट टाइम। सो जिन जिन लोगों के पास ये बाइक है या फिर फैमिली में थी, कमेंट में डालना ना भूलिएगा आपके मेमोरीज। इनफैक्ट अदर कोई बाइक भी है तो वो भी कमेंट में शेयर कीजिए आपकी मेमोरीज। अच्छा लगेगा कम्युनिटी अगर हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे तो। सो गाइज, बाय द वे आपको बताना भूल गया, ये मेरे दोस्त की फर्स्ट कावासाकी है। ओरिजिनली इसका ब्रांड कावासाकी आता था, कावासाकी कैलिबर 115 आता था, बजाज ब्रांडिंग बाद में हुआ है, ये जो लोगो है बाद में यूज़ किया हुआ है। और एक बात, इसके पास और एक निंजा 650 है मेरे दोस्त के पास, ही ओन्स अ बिलेंजी 300 ऑल्सो, TNT 300। उसका भी वीडियो शायद आपने मेरे चैनल पे देखा रहेगा, मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या एक्सेसरीज है। ये मिरर जो है उसने डोमिनर के यूज़ किए, बिकॉज उसको ओरिजिनल 115 के मिले नहीं, तो ये बहुत से बाइक्स को कॉमन आते हैं ये मिरर्स, शायद NS 200 को भी आता है एंड KTM को शायद रिवर्स आता है। सो ये वीडियो यहीं एंड करेंगे, आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स फैमिली में, स्पेशली द ओल्डर जनरेशन में, बिकॉज उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। एंड जिन्होंने अगर आप लोगों ने ओन किया है तो कमेंट में शेयर कीजिए, कोई और वर्जन था आपके पास तो वो भी शेयर कीजिए कमेंट्स में। लेट्स एक्सचेंज कि आपके पास क्या वर्जन थी, आप किस पे बाइक सीखे हो वगैरह वगैरह। एंड येस, मेरे चैनल पे अराउंड 400 प्लस वीडियोज़ हैं, इनफैक्ट 450 प्लस वीडियोज़ हैं। आपको अगर पसंद आता है कंटेंट तो सब्सक्राइब करने ना भूलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द। इसके बाद डालता हूँ मैं, इसके थोड़े से शॉर्ट्स लिए हुए हैं, फोटोज़ लिए हुए हैं, वो आपको डालता हूँ इस क्लिप के बाद। And I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty bastard, got my shit brainwashed. I'm a freak in the sheets, back up close. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, and give it to you. You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal.